जिला सोनभद्र ग्राम पंचायत बहुआरा की महिला प्रधान सवेरा सिंह ने अपने पूरे गांव का संपूर्ण विकास एवं सर्वांगीण विकास एवं होली की बधाई देती हुए नजर आई। वहीं पर प्रधानपति का कहना है, हमारे गांव में मनरेगा का कार्य बहुत जोरों पर पिछले 3 महीनों से चल रहा है। लेबरों और मजदूरों ने बाकी काम छोड़कर मनरेगा का कार्य किया, लेकिन 3-4 महीने से हमारे गाँव के लेबरों का भुगतान नहीं मिलने पर ग्राम प्रधान और दबाव बनाते हुए कहा कि अगर मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ तो हम लोगों के बच्चे भूखे रहेंगे, इसलिए पेमेंट अपने घर से दीजिए। और प्रधान जी का कहना है, अभी तक जितने भी मटेरियल ग्राम संबंधी विकास में लगे हैं अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। मैंने खंड विकास अधिकारी से बात किया तो बोला कि रुके हुए रहिए और कुछ दिन पेमेंट हो जाएगा, लेकिन 3-4 महीने इंतजार करने के बावजूद भी लेबरों का पेमेंट नहीं हुआ। होली का त्यौहार आया तो हमने अपने घरों से कुछ लोगों का पेमेंट किया, इसलिए शासन सत्ता से आग्रह करते हुए विनती है कि लेबर मजदूरों का पेमेंट बहुत जल्द से जल्द कराया जाए। जिला सोनभद्र से ब्यूरो चीफ महेंद्र प्रसाद की खास रिपोर्ट। हाँ सर, अपना परिचय बताएं। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बहुरा विकास खंड रावसगंज जनपद सोनभद्र का रहने वाला हूँ। और आपका क्या समस्या है, आपके गांव का क्या समस्या है, थोड़ा तेजी बोलिए। गांव में थोड़ा तेजी बोलिएगा। सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में है मनरेगा जी। मनरेगा से जो हम लोग काम करा रहे हैं जी, उसमें मजदूरी का भुगतान, मटेरियल का भुगतान टोटल नहीं हो रहा है आज लगभग 2 महीने से जी। ये सब समस्याएं हैं जिससे आज हिंदू भाई का सबसे बड़ा पर्व त्योहार होली है जी। जी जी, बहुत बड़ा त्योहार है। और होली पे कोई भुगतान नहीं हुआ, जिससे हम लोग मजदूरों को कैसे सांत्वना दें, क्या बात करें, कैसे उनको संतुष्टि दिलाएं कि ताकि वो आज अपना त्यौहार मना सकें। हम लोगों के पास भी कोई उत्साह नहीं है कि हम लोग दे लेकर के उनकी व्यवस्था करें। हम लोग सरकार से बस यही चाहते हैं कि हम जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको समय पे पेमेंट कर दिया जाए, मटेरियल हो या मजदूरी हो, ताकि लोगों को काम करने में उत्सुकता हो, लोग समझें कि नहीं काम करेंगे तो मजदूरी मिलेगी। 15 दिन 10 दिन 20 दिन में भी मजदूरी मिल जाती है तो हमारे मजदूर काम करने के इच्छुक जी। जी क्यों नहीं, सब गरीब यही सोचकर काम करते हैं ना कि मौके पर पैसा मिल जाएगा। मौके पर साल भर का त्यौहार है, साल भर के त्यौहार में आप नहीं देंगे तो आपका गुणगान करने को जा वो बताएंगे। हम लोग अपने जनपद के अधिकारियों लोगों से बात किए हैं जी। हम लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे अधिकारीगण लोग इस बात को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों की समस्याओं का हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे जी। कल माननीय खंड विकास अधिकारी जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि प्रधान जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मजदूरों की मजदूरी दिलाई जाए और मटेरियल का भी पेमेंट किया जाए, देखिए सर आगे क्या होता है। तो आप लोग जो है कि शासन प्रशासन से मांग किए हैं पैसे जी, के जी, लिए जी। इस बाबत में जानकारी हुई है आप ब्लॉक स्तर से लोगों को? ब्लॉक स्तर से अवगत करा दिया गया है जी कि हम लोगों को मजदूरी की आवश्यकता है, जो मजदूर कार्य कर रहे हैं। आश्वासन मिला है हम लोगों को कि मजदूरी का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा माननीय बी जी द्वारा जी। चलिए ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।